गुंजन हत्या मामले में तिरहुत आईजी सुनील कुमार हाजीपुर पहुंचे हैं। फिलहाल वो घटना का जायजा ले रहे हैं। वहीं व्यवसायी गुंजन हत्या मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। हाजीपुर सदर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इसके साथ ही एफएसएल की टीम को भी भेजने की तैयारी चल रही है। एडीजी एसके सिंघल ने कहा कि व्यवसायी को सुरक्षा देने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुंजन खेमका की हत्या के बाद राजधानी पटना में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सभी थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों के मोटरसाइकिल और कार के डिक्की को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस की माने तो वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो गुंजन हत्या मामले में तिरहुत आईजी सुनील कुमार हाजीपुर पहुंच गए हैं। वो घटना का जायजा ले रहे हैं। वहीं व्यवसायी गुंजन हत्या मामले में पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। हाजीपुर सदर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और इसके साथ ही एफएसएल की टीम को भी भेजने की तैयारी चल रही है। एडीजी एसके सिंघल ने कहा है कि व्यवसायी को सुरक्षा देने में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुंजन खेमका की हत्या के बाद राजधानी पटना में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सभी थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों के मोटरसाइकिल और कार की डिक्की को भी चेक किया जा रहा है। पुलिस की माने तो वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उनके निर्देश पर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये वाहन चेकिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाजीपुर में गुंजन हत्या मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। और ये देखिए पुलिस किस तरह से डिक्की की तलाशी ले रही है। निर्देश दिए गए हैं ऐसे कि जो भी संदिग्ध दिखे उनकी तलाशी ली जाए। और हमारे संवाददाता मरगूब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, गुंजन हत्या मामले में तिरहुत आईजी सुनील कुमार हाजीपुर पहुंच गए हैं और ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संदिग्ध दिखे उनकी जांच की जाए और डिक्की को खोलकर हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि जांच की जा रही है। जब कोई घटना घट जाती है मरगूब, उसके बाद पुलिस क्यों सक्रिय होती है, पहले क्यों नहीं होती? देखिए, पूरे हत्याकांड में जो सबसे पुलिस के साथ जो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना है वो ये है कि एक अकेला व्यक्ति जब किसी बड़े घटना को अंजाम देता है तो उसे तत्काल पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है कि एक सिंगल व्यक्ति जो टू व्हीलर पर सवार था, जिसने हेलमेट पहने हुआ था, उसी ने गोली मारी है चंका को और वहां से वो फरार हुआ है। तो उस यही कारण है, सबसे पुलिस के लिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना वो ये है कि उस इलाके में कहीं सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब आप समझिए, लोगों का वहां पूरा बिजनेस है लेकिन एक के सीसीटीवी विजुअल नहीं है और यही कारण है कि पुलिस को अभी तक फिलहाल संदिग्धों का पता नहीं चल पाया है। आईजी पहुंचे हैं, तत्काल राज्य पुलिस मुख्यालय का निर्देश है, उस निर्देश के आधार पर आईजी ने वहां कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं और कई स्पष्ट उन्होंने हाजीपुर के एसपी को स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी हालत में हो इस पूरे हत्याकांड को ब्रेक थ्रू करना है और जो भी कल्प्रित, जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल है, चाहे वो शूटर हो, चाहे वो लाइनर हो, चाहे साजिशकर्ता हो, जिन भी लोगों से संलिप्त है, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, पूरे मामले में अभी की जो स्थिति है, बिहार सरकार और हाजीपुर पुलिस के लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि जब स्थिति ऐसी हो जाए कि राज्य सरकार में शामिल एक बड़ा दल का चार चार बड़ा नेता अगर अपनी ही सरकार पर हमला बोले तो वो स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है और कानून व्यवस्था पर उन लोगों ने सवाल उठाया अपनी सरकार की कानून व्यवस्था पर। निश्चित तौर पर बहुत ही कह सकते हैं कि परीक्षा की घड़ी है समय हाजीपुर पुलिस और बिहार पुलिस के लिए। फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले जो 12 घंटे होंगे वो 12 घंटे हाजीपुर पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अगले 12 घंटे में हो सकता है कि हाजीपुर पुलिस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई अहम खुलासा करे। लेकिन निश्चित तौर पर देखना होगा खुलासे क्या होंगे, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो यह है कि इनपुट कुछ मिले हैं हाजीपुर पुलिस को जो शेयर नहीं करना चाह रही है, लेकिन उस इनपुट के आधार पर फिलहाल कह सकते हैं हाजीपुर एसपी और पूरे हाजीपुर पुलिस को लगा दिया गया है। हाजीपुर पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे हत्याकांड से जुड़े मामले की जांच के अलावा अभी कोई कार्रवाई किसी मामले में नहीं करे। तो मरगूब से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता मरगूब बता रहे थे कि कुछ अहम सुराग जरूर मिले हैं पुलिस को और
वो अहम सुराग के जरिए पुलिस कुछ न कुछ उद्भेदन जरूर करेगी कि इसमें कौन लोग संलिप्त थे। और ये भी कहा उन्होंने कि चूंकि वहाँ सीसीटीवी फुटेज का कोई प्रावधान नहीं था, सीसीटीवी थे ही नहीं वहाँ लगे हुए, और इसलिए भी अपराधी की पहचान करने में पुलिस को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उतर ही रहे थे तो एक अपराधी जो हेलमेट पहने हुए बाहर ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, उसने गाड़ी पर फायरिंग की और उस फायरिंग में गुंजन खेमका को गोली लगी और